अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त सी रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ। फरमास किचन में आज बनने जा रहा है बेचामेल। इट्स एन अरेबिक डिश। आप इसे क्रीमी बेक चीज पास्ता भी कह सकती हैं। इसके लिए जो हम लोगों को चीजें चाहिए, यहाँ पे मैंने पास्ता लिया है। इट्स अबाउट 250 ग्राम ऑफ पास्ता। इसे मैंने बॉयल कर लिया है। सॉल्ट एंड ऑयल डाल करके अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ तेल मैंने डाला था। बॉइलिंग हॉट वाटर में इसे डाल दिया, बॉयल कर लिया। इतना करना है कि ये खिला खिला रहे, स्टिकी नहीं हो, मतलब ज्यादा नहीं ये गल जाए, इतना करना है हम लोगों को। और इसे जब ड्रेन कर लिया मैंने, स्ट्रेनर लगा करके सारा वाटर इसका डिस्कार्ड कर दिया। साथ ही इसमें डिस्कार्ड करने के बाद फौरन इसमें ठंडे पानी से इसे मैंने वॉश कर लिया। आपको हमेशा मैं बताती हूँ किस तरीके से पास्ता मैं रेडी करती हूँ बॉयल करने के बाद। इसे मैंने एक साइड पे रख लिया है। साथ ही यहाँ पे चिकन की ब्रेस्ट की पीस 1 मीडियम साइज जा रही है। इसे मैंने जो कट करवाया है, देखें इस तरीके से लंबे लंबे में करवाया है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसे कट करवाया है, देख सकती हैं आप। ये हमारी 1 मीडियम साइज चेस्ट की पीस है। साथ ही इसमें जो हम लोगों को चिकन बनाने में जो चीजें चाहिए, अनियन जा रही है 1 मीडियम साइज की, फाइनली चॉप ऑमलेट की तरह बिल्कुल बारीक कटी हुई। साथ में इसमें 1 मीडियम साइज ऑफ कैप्सिकम, ये भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ हमारा है, देख सकती हैं आप। बिल्कुल बारीक कटा हुआ हमारा कैप्सिकम जा रहा है। और इसी में हमारा गार्लिक जा रहा है अबाउट 1 टीस्पून। साथ ही मसाले में हमारा जा रहा है ब्लैक पेपर पाउडर जा रहा है, जो काली मिर्चों का पाउडर होता है 1 टीस्पून लेवल्ड है हमारा। क्यूमिन पाउडर, जीरे का जो पाउडर होता है, ये भी 1 टीस्पून लेवल्ड है। चिली फ्लेक्स, लाल मिर्चों को आप दरदरा कर लीजिए, 1 टीस्पून लेवल्ड। चिकन मसाला 1 टीस्पून लेवल्ड। पेरी पेरी पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड। चिकन मसाला किसी भी ब्रांड का यूज कर लें, बहुत सारा ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में, अच्छा उठा लें किसी भी ब्रांड को। और सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड। ये हमारे चिकन के लिए हो गया, ये हमारा पास्ता हो गया। साथ में सॉस जो बनाने के लिए, व्हाइट सॉस हम लोग बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए 1.5 टेबल स्पून ऑफ हमारा ऑल पर्पज फ्लावर गया है, जो मैदा होता है। यहाँ पे मेल्टेड बटर है हमारा अबाउट 5 टेबल स्पून ऑफ मेल्टेड बटर है। सॉरी, ये हमारा 2 टेबल स्पून हीटफुल है। 2 टेबल स्पून मैदा हमारा हीटफुल जाएगा। 2 कप ऑफ फुल फैट मिल्क मैंने लिया है। इसकी थिकनेस, कंसिस्टेंसी इसकी हम लोग देखेंगे, जितनी चाहिए उतना डालेंगे। 2 कप मैंने अंदाजे से लिया है, जितनी जरूरत रहेगी उतना ऐड करेंगे, जो बच जाएगा उसे हम लोग रख लेंगे। साथ ही इसमें जो सॉस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्पाइसेस चाहिए, यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है अबाउट 1 टीस्पून लेवल का जा रहा है। ब्लैक पेपर पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून लेवल। हाफ टी स्पून ऑफ हमारी चिली फ्लेक्स जा रही है। और हमारा यहाँ पे ऑरिगानो जा रहा है 1 टीस्पून लेवल का जा रहा है। साथ में मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 स्लाइस ऐड करूंगी चीज की इसी सॉस में, और रिमेनिंग हमारी इसकी टॉपिंग जो हम लोग करेंगे उसमें जाएगा। और साथ ही यहाँ पे सॉस जा रहा है, लेयर जो हम लोग लगाएंगे उसमें हमारा सॉस जाएगा। ये चिली एंड गार्लिक डिप जो हमारा सॉस होता है वो जा रहा है। आपको दिखाती है इसे बनाना कैसे है। मैंने अबाउट 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाला है पैन में। इसी में हमारी अनियन जाएगी और इसे हल्का सा हम लोग सौते करेंगे। इतना करना है कि थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अनियन हमारी हो चुकी है। इसमें मैं गार्लिक पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। और इसी में हमारा मसाला से जो मैंने आपको दिखाया था, ये सारे मसाले इसी में चले जाएंगे। ये सारे मसाले हमारे चले गए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम लोग चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके कवर करके मैं इसे छोड़ दूंगी। चिकन हमारा फौरन से गल जाएगा इंशाल्लाह। चेस्ट की पीस है और जैसे बोनलेस हमारा, ये फौरन से गल जाएगा। फ्लेम अभी हमारा हाई पे है और इसका फ्लेम अब हम लोग कम कर देंगे, मीडियम टू हाई के बीच कर देंगे। बिल्कुल लो नहीं करना है, मीडियम टू हाई के बीच में कर देना है। और इसे कवर कर दे रही हूँ, मिक्स कर लिया मैंने और इसे अब कवर कर दे रही हूँ मैं। मीडियम टू और हाई के बीच के फ्लेम रखिएगा। कवर करके छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चिकन हो चुका है। और अब हम लोग इसमें जो कैप्सिकम आपको दिखाया था, ये हमारा चला जाएगा। और इसे हम लोग कुक करेंगे बस ऑलमोस्ट 2 मिनट हम लोग इसे और देंगे। मिक्स हो जाएगा ये सब कुछ, बस इतना ही हम लोगों को करना है, ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि कैप्सिकम जब शेप लूज कर देता है ओवर कुक होने की वजह से, तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग को बस ये थोड़ा सा करना है, मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट हार्डली। इसलिए फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब तक कि मैं आपको दिखा देती हूँ हम लोगों को जो सॉस रेडी करना है वो उसका प्रोसेस दिखा देती हूँ। ये देखें, सॉस रेडी करने के लिए मैंने बटर ऐड कर लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड किया क्योंकि बटर डायरेक्ट ऐड करने से वो थोड़ा सा जल सा जाता है, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा वो भी ऐड किया है। इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम लोग तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका थोड़ा कच्चापन खत्म ना हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इस स्टेज पे ये सारा स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाया था ये सब हमारा चला जाएगा। हम मिक्स करेंगे थोड़ा और, इसे हम लोग अभी कुक करेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छी आने लगे हम लोगों को, और फिर हम लोग इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये देखिए ये हो चुका है और अब इस स्टेज पे जो मैंने मिल्क आपको दिखाया था ये मिल्क सारा चला जाएगा। देखिए मैंने इतना ऐड किया है, अगर और ज़रूरत लगेगी अगर ये ठीक हो जाएगा, अभी मैंने 1 ही कप ऐड किया है, और ज़रूरत लगेगी तो मैं ऐड करूँगी। इसे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और मिल्क ऐड करने के बाद भी आपको फ्लेम इसका हाई कर देना है। देखिए ये फौरन से ठीक हो रहा है, इसमें हम लोगों को मिल्क की और जरूरत पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है। देखें क्योंकि फौरन से ये ठीक हो रहा है, थोड़ा सा 1/2 कप और ऐड कर देते हैं हम लोग। इसमें मैंने 1/2 कप और ऐड किया था मिल्क और साथ ही इसमें मैंने चीज ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अंटिल ये सारा मेल्ट हो जाए चीज, इसमें चीज मेल्ट हो जाएगा और फ्लेम हम लोग ऑफ कर देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है सॉस। ये देखिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें इतनी रखा है मैंने, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं, इतना रखा है मैंने इसकी कंसिस्टेंसी। और अब हमारा चिकन रेडी है, सॉस रेडी है। अब हम लोगों को पास्ता भी हमारा रेडी है, बॉयल होकर के असेंबल करना है। आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ये देखिए हमारा चिकन रेडी है, सॉस है ये और व्हाइट सॉस जो मैंने बनाया वो भी रेडी हो चुका है और ये रहा हमारा पास्ता। आपको दिखाते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोगों को इसमें बेक करना है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जाएगा व्हाइट सॉस। इस तरीके से व्हाइट सॉस अच्छे से डालेंगे हम लोग, फर्स्ट लेयर इसी का जाएगा। ये हमारा व्हाइट सॉस चला गया और अब हमारा यहाँ पे पास्ता का जाएगा। ये देखिए पास्ता का लेयर चला गया और अब हम लोगों का व्हाइट सॉस जाएगा इसी के ऊपर। मर्जी आपकी, कम ज्यादा सॉस को आप अपने हिसाब से कीजिएगा। इस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस पर, और साथ ही इसमें जो मैंने डिप दिखाया था आपको चिली एंड गार्लिक वाला वो जाएगा हमारा। आपको जितना इससे ऐड करना है, कम ज्यादा तीखा जितना। और अब जो है इसमें हमारा जो चिकन मैंने रेडी किया था ये चिकन हमारा जाएगा। इस तरीके से अच्छे से इसे फिल कर लेते हैं चिकन से। ये देखिए हमारा चिकन चला गया और अब थोड़ा सा अगेन व्हाइट सॉस, इस तरीके से हमारा थोड़ा सा व्हाइट सॉस जाएगा। बस हो गया, इतना ही डालना है हम लोगों को। और व्हाइट सॉस डालने के बाद अब हम लोगों का अगेन पास्ता का जा रहा है। ये देखिए हमारा पास्ता का लेयर चला गया है और अब इसके ऊपर सबसे ऊपर वाले लेयर पे भर के हम लोगों का व्हाइट सॉस जाता है। इस तरीके से भर के हम लोग डाल लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने पूरे में व्हाइट सॉस लगा दिया है। अब ये चीज स्लाइस हमारा जा रहा है, इसी तरीके से लगा लेते हैं चीज स्लाइस। ये देखिए चीज स्लाइस डाल दिया है, एक हमारा टूट गया था तो इस तरह से साइडों पे डाल दिया है। ऊपर से हमारा ऑरिगानो जाएगा, ऑरिगानो स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। और ये देखें इस तरीके से ऑरिगानो हमारा जा रहा है और इसी के ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैं ऐड करना चाहूंगी। अगर आपको पसंद है चिली फ्लेक्स का थोड़ा सा तीखापन और चाहिएगा तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे ऑप्ट कर सकती हैं। थोड़ा सा मैं डालना चाह रही हूँ इसमें। इस तरीके से ये चिली फ्लेक्स हमारा चला जाएगा और हाँ, इसे हम लोगों को बेक करना है। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट के लिए। अब मैं इसे ओवन में डालूंगी 180 डिग्री पे फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट और बेक करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें हमारा ये बेक हो चुका है और अच्छे से ये मेल्ट भी हो गया है, अच्छे से बेक भी हो गया है। एक स्लाइस मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। ये देखें एक मैं आपको कट करके निकाल के दिखाती हूँ। जिस तरीके से लजानिया को करते हैं उसी तरीके से इसे भी आप सर्व कर सकती हैं। इस तरीके से ये देखें बेहतरीन सा बादशाह हम लोगों का बादशामिल रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सा होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये बादशाह मिल की रेसिपी कैसी लगी। बहुत यमी सा होता है, ये देख सकती हैं आप। क्रीमी जबरदस्त सा, जरूर ट्राई कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल का ऑप्शन मिलेगा, बेहतर रहेगा उस पर क्लिक कर लें, सो दैट यू विल बी अपडेटेड विथ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोबारा से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ और नई लजीज रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।